Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. So, आज के current affairs show में again हम questions के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. आप यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर पहले session को यहाँ पर like कर सकते हैं, उसके बाद आज का session जो है हम उसको शुरू करेंगे. Okay? So, good morning to all of you. Again, हम शुरू करते हैं आज का हमारा session एक quote के साथ में. So, first slide. So this is the quote जो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ. Never confuse what you are offered with what you are worth. यानी जो चीज़ आपको लाइफ में ऑफर की जाती है उससे ये मत समझिए कभी भी कि आप उस चीज़ के ही वर्थ हैं, यानी आप उस चीज़ के ही लायक हैं. आई एम गिविंग यू अ लाइफ एडवाइस. आपको हमेशा लाइफ में दो ऑप्शंस मिलेंगे. वन विल बी द ईजी वन. आपको हमेशा दो रास्ते दिखेंगे लाइफ में. एक तरीका आपको बिल्कुल ईजी लगेगा जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में. सेकंड जो आपको लगेगा वो टफ तरीका लगेगा, जिसको आप सोचोगे, सोचकर भी उसको डर लगेगा कि ये काम तो मैंने किया तो रिस्की काम है और क्या पता मैं इसमें अनसक्सेसफुल हो जाऊँ. ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में ईजी लगती है, जो तरीका आपको लगता है, लाइक आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑफर किया जाता है किसी प्राइवेट बैंक में. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. आपको प्राइवेट बैंक में जाना आपको अगर ईजी ऑफर किया जाता है तो आप सोचोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, जाना तो है ही बैंक में, तो आप वहाँ पर चले जाओगे. लेकिन वहाँ की लाइफ आपको डिफरेंट लगेगी. एक आपके आप एक गवर्नमेंट जॉब पाते हो तो आपके अंदर अलग से एक आता है, रिस्पेक्ट मिलती है आपको सोशली, वो नहीं मिल पाएगी. तो हमेशा एक चीज़ लाइफ में याद रखो, जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में ईजी लगती है वो बाद में जाके आपके लिए अच्छी नहीं होती है. जो भी चीज़ आपको स्टार्टिंग में टफ लगती है, जहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वो चीज़ आपके लिए हमेशा अच्छी प्रूव होती है. तो हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क उठाओ. ये सोचो, आप ये सोच के बैठे होगे इस टाइम पे कि मेरा कोई सेफ साइड नहीं है. एक एग्जामिनेशन आपने फिक्स किया है, एग्जामिनेशन अगर क्लियर हुआ आपका तो ही कुछ हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा. ये रिस्क, ये डर अच्छा है, ठीक है. तो कोई बात नहीं, आप अपने खुद मेहनत करते रहो और एक दिन एक दिन आप वो ज़रूर पालोगे चीज़, ठीक है. तो हमेशा अपना जो वर्थ है उसको हाई रखो, ये मत सोचो कि आप सिर्फ कम डिजर्व करते हो. सो दिस इज़ द थिंग. चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री विल होस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन. कौन सी कंट्री जो है कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाली है, किसके ऊपर? एशियन डायलॉग, एशियन सिविलाइजेशन के ऊपर. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इसका क्या वेन्यू रहने वाला है. अगेन, जो भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसका वेन्यू हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल हो जाता है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चाइना. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? चाइना है. अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए जो एशियन सिविलाइजेशन के ऊपर ये जो डायलॉग होने वाला है इसको यहाँ पर कंडक्ट कौन करवाने वाला है. सो यूनेस्को जो है वो इसको कंडक्ट करवाने वाला है. किसको? एशियन सिविलाइजेशन डायलॉग को. अगेन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इट इज़ इन, कहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में है. तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हम बात कर चुके हैं, न्यूयॉर्क में है. लेकिन अगर आपसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप पेरिस, फ्रांस बता देंगे. अगेन, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल? यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? ऑड्रे अजोले हैं. ओके, सो ऑड्रे अजोले इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनेस्को. ये चीज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी? ओके, सो महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, उनका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है? देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो आपको आंसर मार्क करके आना है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अजोय मेहता. सो अजोय मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी. महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी की तरह उन्हें अपॉइंट किया गया है. यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो चीज़ क्या है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं. सो देवेंद्र फडणवीस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हाट? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं. सी विद्यासागर राव जो हैं वो कौन है? गवर्नर हैं. कहाँ के? महाराष्ट्र के. ये चीज़ यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड. अगेन, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अजोय मेहता है उन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको डी दिख रहा है, यू पी एस मदन.
तो उनको क्या कर दिया है, सक्सीड कर दिया है किसने, अजोय मेहता ने। सो आई होप ये चीज़ें सारी जो है आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गई होंगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम द IPS ऑफिसर हु रिसीव्ड द मखेन इंस्टीट्यूट अवार्ड। तो मखेन इंस्टीट्यूट अवार्ड जो है इनमें से किस IPS ऑफिसर को दिया गया है। अगेन जिन IPS ऑफिसर को दिया गया है वो क्यों दिया गया है, फुल इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पर निर्भया केस को। ओके, सो फुल इन्वेस्टिगेटिंग निर्भया केस शी रिसीव द मखेन इंस्टीट्यूट अवार्ड। सो उनका क्या नाम है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज छाया शर्मा। ठीक है, तो उनका नाम क्या है यहाँ पर, छाया शर्मा है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये लिबर्टी और करेज के लिए दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 2019 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। जो 2019 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीत लिया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज लेविस हैमिल्टन आंसर। अब यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए कि लेविस हैमिल्टन जो है वो क्या है, एक मर्सिडीज ड्राइवर है। अगेन ही बिलोंग्स टू यूके। ठीक है, सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, यूके से वो बिलोंग करते हैं, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर पता होने चाहिए थे। आपसे पूछा जा सकता है उन्होंने किसको बीट किया, यानी सेकंड पोजीशन पर कौन रहे हैं, तो वोल्टेरी बोटास जो रहे हैं वो क्या रहे हैं यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। सो वोल्टेरी बोटास सेकंड पोजीशन पर थे, जीत किसने लिया, लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ही इज़ अ मर्सिडीज ड्राइवर एंड ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। ये चीज़ सारी यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी थी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसके अलावा उन्होंने कुछ और ग्रैंड प्रिक्स भी जीते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, दैट इज़ चाइनीज़ और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीते थे, लेविस हैमिल्टन ने ही जीते थे। अगेन यहाँ पर एक और नाम ऐड कर लेना था आपको, वो क्या था, स्पेनिश था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर विमेन स्पिनर इन द ODI। ODI में विमेन स्पिनर जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो कौन बन गए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सना मीर। अब उन्होंने कौन सा भी लेटेस्ट विकेट लिया है, टोटल उन्होंने कितने विकेट ले लिए हैं, 147 विकेट्स, टोटल 147 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी, आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हम ICC ODI रैंकिंग देखेंगे तो उसमें वो कितने पोजीशन पे आती है, थर्ड पोजीशन पे आती हैं, और उसमें टॉप पे कौन है, झूलन गोस्वामी हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया की हैं, इंडियन प्लेयर हैं। तो ये चीज़ भी हमें पता होने चाहिए। अगर आपसे ICC ODI बॉलिंग रैंकिंग पूछा जाएगा बॉलिंग के लिए, तो आप बता देंगे थर्ड पोजीशन पे कौन है, सना मीर हैं, और उसको टॉप किसने किया है, झूलन गोस्वामी ने किया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री टेस्टेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन दैट रन्स एट 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन से बुलेट ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है, किस कंट्री ने वहाँ पर लॉन्च की है, ए बी सी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हमें पता है, सबसे ज़्यादा बुलेट ट्रेन के लिए कौन से कंट्री फेमस है, जापान फेमस है। तो यहाँ पर जापान जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। जापान की जो कैपिटल है इज टोक्यो एंड द करेंसी इज येन, प्राइम मिनिस्टर इज शिंजो अबे। देखो आज के सेशन में मैंने आपके लिए स्टार्टिंग वाले सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रखे हैं, लास्ट में क्वेश्चन आएगा जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड होगा, उसमें हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको सेशन लास्ट तक देखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो अगर आपसे कब पूछा जाए बुलेट ट्रेन का नाम, तो वो जो है अल्फा एक्स वर्जन की ट्रेन थी, ये भी आप बता सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस 2020 ओशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। यहाँ पर आपसे एक अगेन एक वेन्यू की बात हो रखी है। सो ये जो ओशन कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर होने वाली है, सो यहाँ पर जो आप लोग सब आंसर कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज लिस्बन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आंसर यहाँ पर देखिए लिस्बन जो है वो कैपिटल किसकी है, पुर्तगाल की है, पुर्तगाल लिस्बन
एंड द करेंसी इज यूरो. यहाँ पर ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी. आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल. पुर्तगाल के आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, एंटोनियो कोस्टा इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट, पुर्तगाल. पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंटोनियो कोस्टा हैं एंड मार्सेलो रिबेलो ये कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन, सुभाष चंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री. इंडिया के एम्बेसडर कौन सी कंट्री के लिए बनाए गए हैं सुभाष चंद, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. अगर आपको पता हो ये क्वेश्चन हमने देखा था हमारे करंट अफेयर क्लास में, यूएई से रिलेटेड नवदीप सूरी जो हैं वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, कहाँ के लिए हैं, यूएई के लिए हैं. वो न्यूज़ में थे किस बुक की वजह से, खूनी बैसाखी की वजह से. खूनी बैसाखी जो पंजाबी में लिखी गई थी उसका इंग्लिश वर्जन जो लॉन्च किया था वो नवदीप सूरी ने किया था, जो हमारे क्या है इंडियन एम्बेसडर हैं यूए के लिए. ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. अगेन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, इरिट्रिया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए यहाँ पर जरूरी क्या है, आपको जल्दी से यहाँ पर कमेंट करना है इन सारी जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी क्या है. सो इथियोपिया की अगर हम पहले बात करें, इथियोपिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा है. ओके, एंड द करेंसी इज बिर. इथियोपिया एडिस अबाबा बिर याद रख लेना हमें. सोमालिया की अगर बात करेंगे हम तो सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु है. एंड द करेंसी इज शिलिंग. शिलिंग यहाँ पर करेंसी है. इरिट्रिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पर असमारा है. ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं. एंड द करेंसी इज नकफा. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सूडान, खार्तूम एंड पाउंड. ओके, सो सूडान, खार्तूम एंड पाउंड. ये आप देखो कोई भी ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनको रिपीटेडली बोलते रहेंगे, लाइक इथियोपिया के साथ आपको बोलना है एडिस अबाबा एंड बिर, तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी. सो इथियोपिया, एडिस अबाबा, बिर, ये सारी जो कंट्री है आपसे इनमें से किसी का भी कैपिटल करेंसी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं यहाँ पर न्यूज़ में हैं. तो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. उज्जैन अ सिटी इन मध्य प्रदेश लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. आपको मैंने कल 4 PM पर एक सेशन करवाया था स्टैटिक अवेयरनेस का जिसमें हमने किसके बारे में बात की थी, सिटीज़ ऑन द रिवर बैंक्स. तो उसमें से ही एक क्वेश्चन है आपके लिए. देखते हैं कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको याद है कि कल इसका आंसर मैंने क्या बताया था. ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, शिप्रा रिवर. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. उज्जैन जो है वो सिटी है कहाँ की, मध्य प्रदेश की है और वो शिप्रा के पास में है. आप अगर चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन आप कवर करें तो आप जो कल सेशन हुआ था हमारा उसको भी देख सकते हैं. अगेन एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारा 17th मई को हमारा 4 PM एक सेशन होने वाला है जिसमें हम फर्स्ट से लेकर 10th मई तक के जितने भी MCQ थे करंट अफेयर के उसके टॉप 50 MCQ डिस्कस करने वाले हैं. तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं. आपको लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वो दिख जाएगा, वहाँ पर आप बैल क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए सेशन के लिए. तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. CA क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड्स 2019 अनाउंस्ड, हु हैज़ बैग द इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. आपको बताना है ये इंटरनेशनल बैट्समैन और क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, किसको ये अवार्ड दिया गया है, ABCD ऑप्शन में से. अगेन हमेशा जो बैट्समैन से रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है हमें सबको पता है किसको दिया जा सकता है, वो इज नन अदर देन विराट कोहली. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. इनको दिया गया है किसका, इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. अब यहाँ पर कुछ और अवार्ड दिए गए थे उनके भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कांस फिल्म फेस्टिवल बिगिन एंड इन विच कंट्री. कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है इस बार में, वो आपको यहाँ पर आंसर करना है ABCD ऑप्शन में से. तो देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल का इस बार जो वेन्यू रहने वाला है वो क्या रहेगा, फ्रांस रहेगा. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंसर दिखा दीजिए. एंड द
करेंसी इज यूरो, ठीक है, फ्रांस पेरिस यूरो यहाँ पर याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो इंडियंस हैं उनको वहाँ पर कौन रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हमारे INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी जो हैं अमित खरे, वो इंडियन पवेलियन को वहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अमित खरे ये लिखा हुआ है, ये भी आपको नाम याद रख लेना, ही इज़ INB सेक्रेटरी। अगेन यहाँ पर जो हमें बात पता होनी चाहिए वो है कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस एंड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो क्या है, वहाँ के प्रेजिडेंट हैं, और इडोर्ड फिलिप जो हैं वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमसे पूछी जा सकती हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन मैंने आपसे बोला था कि सीएट रैंकिंग से रिलेटेड, सीएट अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इन सीएट अवार्ड 2019 हु बैग्ड इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इनमें से किसको दिया जा सकता है? सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ जसप्रीत बुमराह जो है उनको इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल आपसे आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अवार्ड शो कौन सा था, ये वाला नाम याद रख लें, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड शोज होते रहते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो इसके अंडर दिया गया था जसप्रीत बुमराह को ये वाला अवार्ड। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं सारे नाम आपको यहाँ पर याद रख लेने पड़ेंगे। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बोले गए हैं, रोहित शर्मा हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसका था, कुलदीप यादव का था। इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एरोन फिंच हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, विच इज़ महेंद्र अमरनाथ। इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज स्मृति मंधाना। ये सारे नाम जो थे आपको याद रख लेने थे। अगेन स्मृति मंधाना जो हैं उनकी इमेज किसके ऊपर लगी हुई थी, क्रिक जोन मैगजीन के ऊपर, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्रिक जोन जो है वो पहली विमेन क्रिकेटर मैगजीन है जिसके फ्रंट कवर पे किसकी इमेज लगी हुई थी, हमारे फॉर्मर कैप्टन जो है स्मृति मंधाना है उनकी इमेज यहाँ पर लगी हुई थी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन चैनल लॉन्च्ड ऑनलाइन सेवनियर स्टोर इन पार्टनरशिप विद Amazon इंडिया। तो ओनली सेवनियर स्टोर जो है पार्टनरशिप के साथ में, किसके साथ में, Amazon इंडिया के साथ में, ये किस चैनल ने यहाँ पर लॉन्च किया है। ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ दूरदर्शन। आपको दूरदर्शन यहाँ पर याद रख लेना है। देखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन, दिस इज़ द वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पता हो तो LIC EAU एग्जामिनेशन आपका आ रहा है, अगर आपका प्री एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आप मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो। अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो, वेट मत करो मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो LIC EAU एग्जामिनेशन जो है उसमें ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। LIC म्यूचुअल फंड जो है उसके CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं, ABCD ऑप्शन में से। देखो MR कुमार जो है वो चेयरमैन है, कहाँ के चेयरमैन है, LIC के चेयरमैन है। LIC के चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाता है आपको MR कुमार बताना है, लेकिन LIC म्यूचुअल फंड के CEO कौन है, दिनेश पंगटे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी। LIC जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस इज LIC जो हाउसिंग फाइनेंस है उसके MD CEO कौन है, विनय शाह इज द MD and CEO ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस। जो आपसे अगेन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है एग्जामिनेशन में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच एजेंसी और कंपनी हैज़ कैरिड आउट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास। अभ्यास का सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर किया है, ABCD ऑप्शन में से। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। अगेन आप इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ DRDO। अब DRDO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। एंड हु इज़ द हेड ऑफ द DRDO, जी सतीश रेड्डी,
जी सतीश रेड्डी जो हैं वो हेड हैं किसके, डीआरडीओ के हेड हैं। के शिवन कहाँ, किसके हेड हैं, के शिवन इज द हेड ऑफ व्हाट, इसरो। नासा के हेड जो हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं वो कौन हैं। आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, वो बात करेंगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में तब तक बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा है, आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन आपने आज के सेशन में ठीक किए हैं। सो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास्ड इन विच ईयर। पहली बात तो पास कब किया गया एंड कम इन टू फोर्स, पास करना कोई बिल और बिल वो इन वर्क आना यानी केम इन टू फोर्स, आपसे दो क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा पास कब किया गया। अगर आपसे पूछा जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, देन यू विल आंसर 1881। बट When will it came in force? ये कब फोर्स में आया था, कब वर्क में आया था? So it came into force in 1882. So both are two different things जो आपको याद रखनी है। इसको कब एक्ट में लाया गया था, 1882 में लाया गया था, और पास इसको क्या था 1881 में। आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। स्लाइड हटा दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम जो आज के सेशन में बात करने वाले हैं, वट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो जो वर्ड है आपका नेगोशिएबल, उसको काफी जगह यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। ओके, ट्रांसफर करना होता है नेगोशिएबल का मतलब। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो क्या गवर्न करता है, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसको 1882 भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये शुरू तो 1882 में हुआ था ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है, किसको गवर्न किया जाता है, हमारे चेक्स को, जो चेक्स होते हैं उसको, प्रोमिसरी नोट्स को, नरी नोट्स को। ओके, अब व्हाट इज अ चेक एंड व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बता दिया, कोई भी चीज़ है जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर किया जा सके उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। अगेन ये गवर्न करता है चेक्स को। आपको पता है चेक जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोमिस, ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रोमिस होता है जो क्या शो करता है कि एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के पास क्या होना चाहिए, उस पैसे का ट्रांसफर होना चाहिए, यही चेक का मतलब होता है। अगर आपको पता हो एक टाइप का, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है, एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो किसी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर लिखा जाता है। लाइक ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इससे क्या किया किसी पर्टिकुलर बैंक लाइक SBI के ऊपर एक चेक लिखा। ओके, सो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ रिटन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, किसी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर लिखा गया हो और जो क्या रेफर करता है कि बैंक को क्या करना है, कोई अमाउंट पे करना है किसी दूसरे पर्सन को। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोमिस, समझ गए होंगे आई होप ये वाली चीज़। प्रोमिसरी नोट का मतलब भी क्या होता है, ये मान लीजिए कोई कंप्लीट एक नोट है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसमें क्या बोला हुआ है कि ये वाला जो अमाउंट है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होना चाहिए। लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ नोट जो क्या किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको क्या बोला जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। आई होप ये वाली चीज़ जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो दोनों ईयर्स है 1881 और 1882, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो हम क्या करेंगे, हम आने वाले सेशंस में एक बैंकिंग अवेयरनेस क्लास रखेंगे, उसमें मैं आपको पूरा चेक के बारे में अच्छे से डिफाइन कर दूंगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चेक जो होते हैं, लाइक बियरर चेक होता है आपका, क्रॉस चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर सेशन है इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम हमारी एक बैंकिंग अवेयरनेस क्लास रख लेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बैंकिंग अवेयरनेस क्लास लेकर आएँ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। सो ये था आज का सेशन, आपको बताना है यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने आज के सेशन में बिल्कुल ठीक किए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Thank you.